जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्ट्रेंथ फिजिकल एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के फिजिकल चल रहे हैं, आज 15 जुलाई है। आज के जो वजीराबाद ग्राउंड और एनपीएल ग्राउंड के फिजिकल थे वो आज पोस्टपोन्ड हो गए हैं, उनके फिजिकल 27 जुलाई के होंगे। जैसा कि दोस्तों कल मेरे अकेडमी के 4 बच्चों ने फिजिकल किया था एनपीएल ग्राउंड, जहाँ पे पानी भरा हुआ था, उसके बाद पानी की उन्होंने मिट्टी डाल के और उसके ऊपर मैट लगा के रनिंग कराई। कुछ बच्चों की समस्या भी है, कुछ लड़कियों के पास मेरे पास कमेंट भी आए कि सर ऐसे ऐसे उन्होंने कीचड़ में रनिंग करवा दी, ऊपर मैट बिछाया उसमें हमारे पैर नहीं चल रहे थे फिर भी उन्होंने रनिंग करवा दी। तो दोस्तों ऐसे ही फिजिकल में मेरी अकेडमी की एक लड़की फिजिकल करके आई है, वर्षा। वर्षा आ जाओ, आपकी यहाँ पे लास्ट टाइमिंग क्या आई थी? 7:34। सबसे पहले आप ये बताओ आप आए कहाँ से हो? गुड़गांव से ये लड़की मेरे पास आई है। वैसे ये लड़की महेंद्रगढ़ की है, गुड़गांव पे रह रही थी, यहाँ पे मेरे पास फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आई। लास्ट टाइमिंग 7:34 थी इसकी, वहाँ पे कल क्या टाइमिंग आई? 7:22। ग्राउंड खराब होने के बावजूद भी इसकी टाइमिंग वहाँ पे 7:22 की आई थी। लॉन्ग जम्प हाई जम्प बहुत इजीली हो गया, लॉन्ग जम्प सेकंड चांस में हुआ था लेकिन बहुत इजीली हो गया। और हाई जम्प? हाई जम्प एक बार में हो गया। इसके बाद जितेंद्र आपकी लास्ट टाइमिंग, पहले ये बताओ आप आए कहाँ से हो? मैं मिर्जापुर यूपी से हूँ सर। मिर्जापुर यूपी से मेरे पास आया लड़का, आपकी यहाँ पे लास्ट टाइमिंग क्या? 6:02 आई थी सर। 6:02 आई थी, वहाँ पे टाइमिंग क्या आई आपकी? 5:50 आई थी। 5:50 आई थी। आप कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? 1 month 2 दिन हुए सर। वन मंथ हो गए। और एक चीज और आप ये बताओ कि आप स्पेशल मेरे पास किस चीज के लिए आए थे? मतलब बेसिकली लॉन्ग जंप के लिए आए थे सर। बेसिकली लॉन्ग जंप के लिए आए थे, लॉन्ग जंप के लिए आया था। उसके बाद इसने यहाँ पे टाइमिंग दी, टाइमिंग इसकी ज्यादा रखी थी। फर्स्ट टाइमिंग आपकी कितनी आई थी? 12 आई थी, 6 बार आई थी। 6 बार आई थी। उसके बाद लॉन्ग जंप हाई जंप कितनी आई थी फर्स्ट टाइम आप आए? फर्स्ट टाइम तो 13 आई थी सर स्टार्टिंग में, 13 से। और वहाँ पे कितनी आई आपकी लॉन्ग जंप? वहाँ पे सर आगे 14.5 आई थी। 14.5 फर्स्ट टाइम में हो गया सर। हाई जंप? हाई जंप तो बहुत इजी था सर। उसके बाद सर हमारे पास है सौरभ। दोस्तों इसका झाड़ोदा ग्राउंड में था और इस लड़के ने सबसे बेस्ट टाइमिंग निकाली है वहाँ पे 5:25 की। सौरभ पहले आप ये बताओ आप आए कहाँ से? एमपी से आए थे लड़का। और आपने कितने दिन तैयारी की थी? एक महीना तैयारी की थी। आपकी लास्ट टाइमिंग क्या थी आपकी, मतलब बेस्ट टाइमिंग? यहाँ पर 5:35। 5:35 फर्स्ट टाइमिंग क्या आई थी? 5:53। 5:53 आई थी जब ये आया था। और वहाँ पे टाइमिंग क्या आई आपकी? वहाँ पर आई है 5:26। 5:26 आई। लॉन्ग जम्प हाई जम्प? लॉन्ग जम्प सेकंड चांस में हुआ था और हाई जम्प। उसके बाद एक चीज और पूछा चाहूंगा, आप यहाँ होटल में रहते थे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या खाने वगैरह जैसा सर ने कॉम्प्लेंट नहीं किया? सर नहीं नहीं सब कुछ ठीक था। और अकेडमी में मतलब आपने जो वीडियो में देखा या यहाँ पे देखा कुछ फर्क लगा नहीं सर ने अच्छा करवाया, कोई मेरी तरफ से कोई कमी रही हो तो आप? नहीं नहीं सर, जो भी दिक्कत होती थी आपसे पूछते थे बता देते थे। कोई ऐसा नहीं था ना कि सर हमें तो इतने बच्चे हो गए तो पर्सनल अटेंड नहीं कर रहे? ऐसा कुछ भी नहीं था, जब पूछो तो आप बता देते। इसके बाद एक लड़का और था जो आज आया नहीं, दीपक। एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, झड़ोदा ग्राउंड पर जो पूछना था सर, वहाँ पे मिट्टी है कैसा ग्राउंड है? पानी गिर गया तो ठीक है, वैसे बारिश हो गई थी कोई समस्या नहीं हुई? एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसा कि दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का बैच अब खत्म होने को है, अब मैं एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ हरियाणा कमांडो का, जिसके पास मेरे पास 5-7 लड़के आ भी चुके हैं। 4 फुट 6 इंच उसकी हाई जंप है, रनिंग उसकी 7:30 मिनट में 2 किलोमीटर करनी है। तो दोस्तों आप सीपीओ के लिए हरियाणा कमांडो के लिए ट्रेनिंग करना चाहते हो तो आप हमारी अकेडमी में आ सकते हो, आपके लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी है, गर्ल्स हो या बॉयज हो दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। और जो हरियाणा कमांडो में जो सबसे बड़ी समस्या है हाई जंप की 4 फीट 6 इंच, दोस्तों मैं एक नहीं दो नहीं पूरे 4 टेक्निक से आपको हाई जंप सिखाऊंगा। ये नहीं है कि मैं बच्चों को कमांड देता दे दी कि करो ऐसे ऐसे करना है, नहीं, मैं पहले आपको करके दिखाऊंगा हाई जंप, हर टेक्निक से आपको करके दिखाऊंगा और जो छोटी से छोटी बेसिक चीज़ें हैं उन पर हम वर्क करेंगे। तो दोस्तों आप लेट ना करें, जितना जल्दी हो सके अकेडमी ज्वाइन करें। मैं गारंटी देता हूं जो बच्चे टाइम से आएगा उसका फिजिकल मैं 100% करवा के दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई आपको फिजिकल से जुड़ी कोई भी समस्या है तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान जल्दी कर सकूँ। धन्यवाद। Right.